हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज मैं आपको बताता हूं कि तग्गू राजस्थानी की एक लॉटरी लगी है 70-80 लाख। तो उस लॉटरी में बड़ी खुशखबरी है कि अब इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर अपन बताएंगे। तो करते हैं व्लॉग शुरू। तग्गू राजस्थानी आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर देना। तो आज के ब्लॉग के अंदर हम ये बताते हैं कि गाइज, आपको पता होगा लोग मुझे परेशान करते हैं और करते आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन तग्गू राजस्थानी के ऊपर भगवान की दया है कि तग्गू राजस्थानी को एक रुपए का नुकसान नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अपन ने गलत नहीं किया, अपन ने सही किया, सारा काम अपन सही कर रहे हैं। और अपन बाधा का सामना कर रहे हैं और वो बाधा जानबूझ के उत्पन्न कर रहे हैं। अब कौन है आपको पता ही, गमुड़ी और नीमिया है, बाकी इनके जो परिवार के लोग हैं वो है। तो इन लोगों ने मतलब एक योजना बना के मुझे परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपको पता है झूठे मुंह में किए, हर तरफ से परेशान किया। तो अब मजे की बात देखो कि इन्होंने बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज लिया और 1.5 साल तक मुझे खुद सोशल मीडिया पे धोया। तब तक मैं शांत था, फिर इन्होंने झूठे मूड में शुरू किया। तो मैंने सोचा क्या करें, तो इन्होंने ऐसा प्रेशर डाला कि मुझे मजबूरन सोशल मीडिया पे आना पड़ा। तो सोशल मीडिया पे आया तो आज देखो भाई, अपने तो सैलरी थी, पार्ट टाइम कोई जॉब था नहीं, तो मजबूरन गमुड़ी ने मुझे ये पार्ट टाइम जॉब दिला दिया। कौन सा? सोशल मीडिया वाला। तो आज अच्छे खासे YouTube Facebook से पैसे भी आ रहे हैं, ताकि मैं आराम से मुकदमों की पैरवी कर सकूं। घर से मेरे को नहीं लगाना, ये जो YouTube और Facebook से जो पैसे आ रहे हैं इनको उन मुकदमों के अंदर लगा दूं, ताकि मुझे घर से कुछ नहीं लगाना पड़े और आराम से मैं मुकदमों में पैरवी कर सकूं। तो ये एक मेरा पार्ट टाइम Facebook और YouTube है। ये किसने चालू किया है आप सभी लोगों को पता है, घमुड़ी ने करवाया है। तो मतलब वो मेरे को बर्बाद करनी चाहती थी, लेकिन किस्मत से एक मुझे पार्ट टाइम बिजनेस दे दिया। मेरा तो कोई रुचि नहीं थी कि मैं सोशल मीडिया पे आऊं। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये मेरी कोई रुचि नहीं थी, न तो कोई डॉलर कमाना था, न कोई मेरी इच्छा थी कि मैं सोशल मीडिया पे आऊं और पैसे कमाऊं। मजबूरन मुझे इस गमुड़ी ने और नीमी ने ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पकड़ा दिया और मजबूरन आना पड़ा। और ये लोग तो मुझे मतलब बर्बाद करने की नीयत से आए थे, लेकिन भगवान की दया से एक मेरा पार्ट टाइम जॉब शुरू हो गया, आप सभी को दिख रहा है। और उसके बाद मजे की बात कि अभी अभी आपको एक खुशखबरी सुना देता हूं कि एक तग्गू राजस्थानी की बहुत बड़ी लॉटरी लगी है और वो भी गमुड़ी की वजह से ही है। क्योंकि पहले मैं चाहता था कि भाई फैमिली है, बच्चे है, परिवार है, इनकी वजह से मैं एक एक रुपया धन इकट्ठा करता था और इनके लिए जोड़ता था। मैंने खूब 30-35 साल तक मैंने धन इकट्ठा किया कि मेरे बीवी है और बच्चे हैं, इनके काम आएगा। लेकिन वो इनको समझ में नहीं आया और अब ये लोग मुझे मजबूर कर रहे। तब मैंने कहा भाई, अब बीवी कह रही है मुझे नहीं चाहिए तो फिर तग्गू राजस्थानी कहाँ चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूं कि तग्गू राजस्थानी की बहुत बड़ी 70-80 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और जल्दी ही 10-15 दिन में मेरे खाते में 70-80 लाख रुपए आने वाले हैं। अब मुझे इन 70-80 लाख रुपयों को कहां इन्वेस्ट करना है आप भी कमेंट करके बताना। लेकिन मेरी इच्छा है पहली कि गाड़ी और लाडी, दो सी लाडी मुझे। अब गाड़ी कौन सी लाऊं, थार लाऊं या S11 स्कॉर्पियो लाऊं, कौन सी लाऊं इसमें अभी कंफ्यूज हूं। या तो मुझे थार लानी है या फिर S11 स्कॉर्पियो ले आऊं। तो आप कमेंट करके बताना कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी। और बाकी गाड़ी तो लानी है ही सर, क्योंकि अब चौक पूरे करने अपन को। भाई भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है ऊपर से, तो अपन पैसे देने में आनाकानी क्यों करें। फोगड़ के पैसे आ रहे हैं 70-80 लाख रुपए, तो फिर भाई इतने दिन तो अपन बीवी बच्चों के लिए इकट्ठे कर रहे थे, अब बीवी बच्चे अपने रहे नहीं
तो अपन कंजूसाई क्यों करें? लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे वो दोस्तों अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि विरोधी बड़े सक्रिय है। मेरी हर वीडियो के ऊपर विरोधियों की नज़र है, कहीं कोई अड़ंगा ना डाल दे। इसलिए बस कुछ दिनों का मैं इंतजार कर रहा हूँ और फिर गाड़ी और लाड़ी सब लाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आपको भी पार्टी देंगे, इन्विटेशन देंगे, बिल्कुल नो फिक्र रहिए। तो 10-15 दिन का काम है, 10-15 दिन के अंदर तग्गू के पास थार या S11 होगी और लाड़ी भी होगी, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होंगे। लेकिन इतने दिन जो मेहनत की तग्गू ने बीवी बच्चों के लिए, जो एक एक पैसा इकट्ठा करके कमाया, लेकिन वो बीवी संभाल नहीं पाई, सिर्फ अपनी जिद और एक ईगो के कारण सभी लोगों ने प्रयास कर लिया, बट कैरी मैं साथ तो नहीं जाऊंगी, नौकरी छोड़ दूंगी लेकिन साथ नहीं जाऊंगी। अब देखते हैं दोस्तों कौन बर्बाद होता है जब हम आगे नहीं चलते, हम पीछे चलते हैं, और वो आगे चलते हैं। घमूड़ी और नींबा दोनों ने खूब प्रयास किया तग्गू को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अपने ऊपर महादेव की और भगवान की दया है कि वो जहां जाए जैसे करे अपन को प्रॉफिट हो रहा है बिना कुछ किए। तो ये है किस्मत का खेल, और तग्गू की घर बैठे 70-80 लाख की लॉटरी लग रही है, तो इससे अच्छी क्या खुशखबरी हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको बताएंगे कि कहां से पैसे आ रहे हैं, और इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी, स्कॉर्पियो या थार, दोनों की मेरी फेम पसंद है। आप भी कमेंट करके बताना कि कौन सी गाड़ी लाऊं ठीक रहेगी, अपन को नई गाड़ी लानी है, नई लाड़ी लानी, ठीक है? बाकी नो प्रॉब्लम, एंजॉय करो, मजा करो, कहीं हाथ को आ लेनी।